धनबाद झरिया मुख्य मार्ग कतरास मोड़ के पास चोरों ने बनाया शराब दुकान के शटर को तोड़ करीब 4 लाख रुपए नगद के साथ कीमती शराब की पेटी ले भागे। धनबाद में चोरी की घटना में फिर से इजाफा होता दिख रहा है। झरिया थाना क्षेत्र के झरिया धनबाद मुख्य मार्ग स्थित कतरास मोड़ के पास सरकारी विदेशी शराब दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान के अंदर लॉकर में रखे करीब 4 लाख नगद रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ दुकान के अंदर रखे पैसे के साथ साथ एक पेटी कीमती शराब की पेटी अपने साथ ले गए। घटना के बाद उत्पाद विभाग एवं झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि झरिया कतरास मोड़ स्थित विदेशी शराब दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शराब दुकान के अंदर गल्ले में रखे करीब 4 लाख रुपए सहित एक पेटी कीमती विदेशी शराब लेकर भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों ने दुकानदार को दी, फिर दुकानदार ने झरिया थाने पुलिस और उत्पाद विभाग को दिया। वहीं उत्पाद विभाग झरिया के सब इंस्पेक्टर जय कुमार ने बताया कि कतरास मोड़ में स्थित विदेशी शराब दुकान में बीती रात शटर तोड़कर अंदर रखे लॉकर से करीब 4 लाख रुपए नगद चोर ले भागे। वहीं हर दुकान में गार्ड रखने का प्रावधान है। कल भी यहां गार्ड था मगर गार्ड रात में अपनी ड्यूटी से नदारद था, जिसके वजह से ये घटना घटी है। हमेशा उसके जीपीएस से या इसका गूगल मैप से हम लोग अपना ट्रैकिंग ये लोग करते हैं। उसने 10:30 बजे हम लोग का एक लोकेशन सेंड किया, उसने बताया गया कि उसमें स्लॉप कर रहे हैं इसका क्लास में, ठीक है। और फिर रात को जब हम लोग फील्ड सुपरवाइजर सभी जगह राउंड जब लिया, राउंड होने के बाद ये बोला कि हम जब पकड़ नहीं है यहाँ पे, जब राउंड होकर जब गार्ड ने पूछा कि इस जगह बगल में है, तो अब वही चीज़ है कि यार चल रहा है कि गार्ड है कि क्या है। अगर अगर उसने मेरा गार्ड भी अगर कहीं गलती है तो क्योंकि इस तरह का सफाई उससे किया जाएगा। कल का सेल 2,35,000 का ये लोग स्वॉप किए हैं एक साइड से, और अभी फिलहाल तो 2,35,000 ही मान के लेके चलेंगे, क्योंकि 2,35,000 ही मानना होगा, क्योंकि जो कैश सेल जो हर दिन का जो एक्साइज को स्वॉप किया जाता है वो 2,35,000 का सेल। घाट की क्या लापरवाही लग रही है? घाट की लापरवाही, इसमें गार्ड की लापरवाही क्या सोल्यूशन है? नेशनल गार्ड यहाँ पे गार्ड भी है, उससे भी एक स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। अच्छा, मोबाइल शॉप में सीसीटीवी कैमरा भी लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ मोबाइल शॉप में सीसीटीवी प्रथम दृष्टि जो लग रहा है कल का सेल लगभग 3 से 4 लाख रुपया का कल का सेल था। तो वो हम लोग जब सवेरे आए सूचना मिलने पर तो देखते हैं कि जो तिजोरी है वो अपना स्थान में नहीं है, यानी कि वही खाली लेके गया है। अब बाकी स्टॉक हम लोग मिला रहे हैं और स्टॉक में भी आपके सारे वाइन शॉप में गार्ड रहते हैं, यहाँ क्या हुआ था? कल गार्ड था, रात में वेरिफिकेशन हुआ था रात में, तो गार्ड बोला कि हम हैं, लेकिन सवेरे जब उसको पूछा गया कि तुम कहाँ पे हो तो बोला कि हम दुकान में हैं। जब उसको वीडियो कॉल करने के लिए कहा गया तो वो बहानाबाजी करने लगा। इसके बाद तुरंत जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पता चला कि जो है शटर थोड़ा सा उठा हुआ था तो गार्ड यहाँ से नजर आ रहा। तो सबका जाँच चल रहा है और जैसे ही पूरा हिसाब क्लियर हो जाएगा हम एफ आई आर करेंगे। तो डेली कितना का सेल जाता है ये? डेली लगभग 1.5 से 2 लाख का सेल जाता है, लेकिन पूजा समय देखते हुए इसका सेल डबल बढ़ा था, लगभग 3-4 दिन लगातार बढ़ रहा है। अंदाज कितना लगाया जाता था कि कितने का सेल? अंदाज हमको लगता है कि 3 से 4 लाख, 3.5 से 4 लाख। पर्चे दे दीजिए साफ रहता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे क्यों लगा? सरकार का प्रावधान तो है लेकिन अभी तो नहीं लगा है कहीं कहीं पर, ये तो है। अपना परिचय दे, हम सब इंस्पेक्टर झरिया अंचल के उत्पाद विभाग।